उदाहरण 13, क्या एक्स ऋण 2 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 ऋण 3 एक्स की घात 2 धन 4 एक्स ऋण 4 का एक गुणनखंड है। हल, यदि एक्स ऋण 2 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 ऋण 3 एक्स की घात 2 धन 4 एक्स ऋण 4 का एक गुणनखंड है, तब एक्स बराबर 2 रखने पर शेषफल शून्य होना चाहिए। पीएक्स में एक्स बराबर 2 रखने पर पी एक्स के स्थान पर 2 रखने पर बहुपद में हम एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 की घात 3 ऋण 3 एक्स की घात 2 में 2 का घात 2 धन 4 एक्स के स्थान पर 2 ऋण 4 बराबर 2 की घात 3 8 ऋण 3 गुणित 2 का घात 2 4 धन 8 ऋण 4 बराबर 8 ऋण 12 धन 8 ऋण 4 बराबर 8 धन 8 ऋण 12 ऋण 4 बराबर 16 ऋण 16। इस तरह से पी 2 बराबर 0 स्पष्टता पी में 2 का मान रखने पर हमें 0 प्राप्त हुआ, अतः एक्स ऋण 2 बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। यह इस प्रश्न का हल है।